अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है अपनी माँ के साथ स्कूल गया और उसकी माँ के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले, बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता धर्म परिवर्तन, बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए, इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है।